जाने ना दूंगा। दिल मेरा धड़ के जब बीट पे जैसे ऑन पे ऑफ सेट टेंशन हम शामिल इस राइड में टेंशन दे जितने सब पीछे से गायब है बाकी तो पास फिर शक्कर डिजाइन में जानकारी देते लोग अपनी व्यूज को जो जानते नहीं मेरे को फिर मार करके चौके पे वाकते इसे हार मेरे एरिया के बच्चे लोग रहे फिर कोई भी छूट मिले। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ये वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से क्लिक करके अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना और अपना कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है। ठीक है, अगर आपका फोटो अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिर वाला आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और इमेज को यहाँ से सेव करना है। ठीक है, फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से फिर डिलीट करना, फिर आप अपना कोई दूसरा इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अपना कोई भी एक इमेज को रख लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पर अब कोई दूसरा इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ, उसका आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और इस इमेज को भी यहाँ पर सेव कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपको करना क्या है कि आपको टोटल 14 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप चले जाना है अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि जैसे कि गाइस, यहाँ पर जो हमने लिरिक्स यूज़ किया, जी लिरिक्स में जो है फॉन्ट यूज़ किया है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके ऐड नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर कोई और फॉन्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं फॉन्ट का नाम बता देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया लिरिक्स में फॉन्ट, ये रहा वैम्पायर्स वॉर इटैलिक करके। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबसे पहले फॉन्ट को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना लाइट मोशन के अंदर, ताकि आप जैसे ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड करो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब जगह सेट हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके यहाँ पर कोई और फॉन्ट दिखाई देगा, मैंने यहाँ पर पहले बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आगे आना है और देख सकते हो यहाँ पर आपका डबल बीट मार्क है, फिर आगे में डबल बीट मार्क है। ठीक है, उसके बीच में ये जितना भी लेयर आ रहा है आपको कोई भी आपको एक इमेज को सिलेक्ट करना है और जितना भी लेयर मिलेगा, जैसे कि चार लेयर है डबल बीट मार्क के बाद, तो यहाँ पर सब में चारों में वही सेम इमेज को ऐड करना है। तो किस तरह से करना है मैं आप लोग बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना। ठीक है, और ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमने जितना भी इमेजेस क्रॉप किया था वो यहाँ पर सिंपली आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप अपना कोई फोटो लेना और प्लस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये फोटो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, उसके बाद आपका जितना भी लेयर मिलेगा आपको सेम इसी इमेज को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो गाइस स्टार्टिंग वाला मैंने आपको नहीं बताया अभी किस तरह से ऐड करना है, पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्टिंग वाला बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कर लेना, फिर आपको इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पर क्लिक कर देना। तो देख सकते हो ये इमेज आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपली कलर एंड फिल पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करके उसी सेम इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, करने के बाद आपको फिर आपको आगे देख सकते हो डबल बीट मार्क है, तो इसके बीच में जितना भी लेयर मिलेगा आपको सिंपली ऐड कर लेना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और अपना कोई इमेज दूसरे इमेज को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सिंपली आपको दूसरे इमेज को ले लेना, प्लस पे क्लिक करना, फिर आपको आगे आना है, फिर आपको ये लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और फिर उसी अलग इमेज को जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था उसी सेम इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करना, फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना। तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आगे में जो है कुछ बीट्स मार्क जो है पहले आ रहे हैं, तो आपको शायद समझना है किस तरह से करना, आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, नहीं तो आपका पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, उसका फिर आपका डबल बीट मार्क आएगा, देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा जैसे लेयर नहीं है तो यहाँ पर डबल बीट मार्क है और यहाँ पर डबल बीट मार्क है, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको कोई अलग इमेज को ऐड करना है। ठीक है, सेम इमेज को ऐड नहीं करना है, कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट करना है आपको। सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना कोई दूसरा इमेज को और प्लस पे क्लिक कर देना, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसका फिर आपका डबल बीट मार्क आएगा और फिर देख सकते हो यहाँ पर डबल बीट मार्क है, तो जितना भी इसके बीच में लेयर है यहाँ पर सब सेम इमेज को ऐड करना। ठीक है, फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर जो हमने इमेज को दूसरा सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पर ऐड करेंगे सब जगह पर। ठीक है,
इसको जितना भी लेयर मिलेगा आपको सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जितना भी लेयर था हमने सब में ऐड कर दिया इमेज को। उसके फिर आपको डबल बीट मार्क मिलेगा, यहाँ पर जितना भी आपको लेयर मिलेगा सेम इमेज को ऐड कर देना। और जहाँ से जैसे देख सकते हो यहाँ पर आपका डबल बीट मार्क मिलेगा, फिर यहाँ पर भी डबल बीट मार्क मिलेगा, इसके बीच में एक लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे इमेज को ऐड कर देना है, फिर यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर कोई दूसरे इमेज को ऐड करना, फिर यहाँ पर डबल बीट मार्क आएगा, फिर यहाँ पर डबल बीट मार्क देख सकते हो। इसके बीच में जितना भी लेयर मिलेगा आपको सेम इमेज को ऐड कर देना सिंपली। उसके बाद आपका डबल बीट मार्क आएगा, फोटो को चेंज करना, फिर सेम इमेज को ऐड कर देना, फिर डबल बीट मार्क आएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर। और ये दोनों में आपको क्या करना है, सेम इमेज को ऐड कर देना, फिर डबल बीट मार्क आएगा, कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट करना और यहाँ से यहाँ तक को दूसरा ऐड करना, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इस तरह से आपको लास्ट में अलग वाला इमेज को ऐड कर देना है। तो गाइज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। सो फाइनली गाइज देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब इमेजेस जो है कुछ इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको भी सिंपली कुछ इस तरह से कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल लेयर करना, ठीक है। लास्ट लेयर को अनटिक करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी 7 लेयर करना, ठीक है। फिर आपको बैक आना है, फिर आपको अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ पर आने के बाद क्या करना, प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट 7 लेयर कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको पूरा एंड तक आना है और देख सकते हैं ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको लेयर मिलेगा, यहाँ पर आप कोई दूसरा इमेज को आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कोई अपना दूसरे इमेज को यहाँ पर रख लेता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से ये इमेज भी ऐड हो गया। तो इस तरह से करने के बाद आपको पूरा एडिटिंग जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप जो भी रखना चाहते हो सिंपली रख सकते हो, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना था, अब मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।